होली के चलते पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं, हादसा पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, साथ ही हुड़दंग मचाने वालों की होली हवालात में मनेगी, नशा उतारने का भी इंतजाम पुलिस करेगी। होली को देखते हुए व्यापक इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, शहर से लेकर देहात तक इंतजाम किए गए हैं, जिससे होली शांतिपूर्वक मनाई जा सके। अधिकारियों को तैनात किया गया है, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है जिन स्थानों पर हादसे होते हैं वहां पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है, जिससे हादसा होने पर तत्काल ही घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके। डीसीपी सिटी ने साफ कर दिया है, यदि कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाएगा या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली का त्यौहार पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया जाना है और उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो 1128 जगह हैं जहां पर शहर जोन में जहां पर होलिका दहन होना है, वहां सभी के आयोजकों से बात कर ली गई है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जो पुराने सालों में होली के समय में जो भी जिन लोगों के भी मुकदमे लिखे हुए थे, पंजीकृत थे, उन सभी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर ली गई है। कल के लिए पूरे शहर को जो है सेक्टर और जोन्स में बांट दिया गया है और 120 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिनको हमने ट्रबल स्पॉट माना है, वहाँ पर हमारी बैरियर ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा सभी थानों को तत्काल रिस्पॉन्स के लिए QRTs दी गई हैं और थानों के अलावा ऑफिसेज का भी जो बल है वो कल ड्यूटी पर रहेगा, पूरे पुलिस बल मुस्तैदी से रहेगा। प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो सेकेंड हाफ में एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स के कारण जान जाती है, उसको तत्काल PRVs जो हैं उनको ऐसे प्लेस किया गया है जो पिछले 3 सालों के एक्सीडेंट्स का डेटा था उसको एनालाइज करके PRV ऐसी जगह पर रहेगी जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तत्काल उनको अटेंड करके हॉस्पिटल पहुँचाएगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि त्यौहार के दिन किसी की भी जान एक्सीडेंट के कारण या किसी अन्य ऐसी दुर्घटना के कारण ना जाए। देखिए, बहुत निर्देश बहुत उन सबके लिए बहुत सिंपल बात है कि त्यौहार है, इसको त्यौहार हंसी खुशी से मनाएं, किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना करें कि पुलिस को आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़े। यदि कोई ऐसा फिजा बिगाड़ने का या कोई हुड़दंगई करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई जो विधिक होगी वो की जाएगी। गड़बड़ी करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तमाम इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति हुड़दंग फैलाता है उसकी होली हवालात में मनेगी। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, उनके पीछे उनका परिवार है, यदि परिवार का ध्यान रखेंगे तब नशेबाजी में गाड़ी नहीं चलाएंगे। होली रंगों का त्यौहार है, होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हादसों में किसी की जान ना जाए। इतना ही नहीं, हुड़दंग मचाने वाले या फिर नशे की हालत में गड़बड़ी फैलाने वालों की होली हवालात में मनेगी, इस बात की भी तैयारी पुलिस ने कर रखी है। पुलिस ने आगाह कर दिया है कि होली शांतिपूर्वक मनाएं, प्रेम से मनाएं, माहौल को खराब करने का प्रयास कोई भी नहीं करे। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।